एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए खेला 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 और खेला, जुटको में बस खेला है। जिधर देखिए उधर ही बस खेला, जिधर नजर डालिए बस उधर ही खेला। आज और खेला दिखाते हैं। हमने आपको कहा था कि जुटको से जुड़ी पूरी सीरीज दिखाने वाले हैं और मस्त वाला खेला आज आपको दिखाने वाले हैं। आप भी देखिए, देख देख के माथा पीटिए और सोचिए कि झारखंड को किस किस विधि से लूटा जा रहा है, कैसे कैसे जुगत जुड़ाई जाती है, टेंडर टेंडर कैसे खेला जाता है और कैसे अपने फेवरेट लोगों को टेंडर दे दिया जाता है नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले खेला पर ये रिपोर्ट देखिए। खेला खेला, जिधर देखो उधर ही खेला। हाई टेन को किसका वरद हस्त, किसकी पैरवी से हाई टेन को मिलता है टेंडर। ISBT इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बस टर्मिनल, देवघर जैसे शहर के लिए तो बस यूं समझ लीजिए कि एक लाइफलाइन होती, लेकिन ये लाइफलाइन तब होती जब बन जाती। श्रावणी मेला लगता तो कितनी सुविधा होती, पर ऐसा हुआ नहीं। काम अब भी जारी है और कब तक जारी रहेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ISBT के निर्माण का काम जून 2018 में हाइटन कंस्ट्रक्शन को मिला। कैसे मिला ये मत पूछिए, लेकिन मिला ये बड़ी बात। 4 साल पूरा होने वाला है, अब तक काम पूरा नहीं हुआ। क्या कभी किसी ने पूछा समय सीमा में ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ? जबकि समय पर काम न हो तो इसके लिए तो बकायदा सजा का प्रावधान है, पर जब ऊपर वाला मेहरबान तो कंपनी पहलवान। अब ये भी समझिए कि काम मिलने को लेकर भी सवाल कैसे है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस एक्सपीरियंस लेटर को ध्यान से देखिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी इस वर्क एक्सपीरियंस में इस कंपनी को ढलाई करने का एक्सपीरियंस लेटर दिया गया। जिस कंपनी के पास 3 करोड़ के काम का एक्सपीरियंस नहीं, उस कंपनी को 35 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किसके कहने पर मिला? हाई टेन तो राम कृपाल की पेटीदार कंपनी, तो फिर ये एक्सपीरियंस लेटर कैसे मिला? किसके प्रेशर में हाई टेन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला? स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस कंपनी को टेंडर नहीं मिल सकता था, इसी आधार पर हाई टेन को कई निविदा से बाहर भी रखा गया था। इतना ही नहीं, अभी तो सिर्फ एक सवाल उठा है, अभी तो जुड़को को कई सवालों के जवाब देने हैं। KMV कंस्ट्रक्शन को मंत्री आवास और ट्रांसपोर्ट नगर का टेंडर कैसे मिला? KMV कंस्ट्रक्शन पर जुड़को की मेहरबानी का कारण क्या? प्रोजेक्ट एडमिन अमरेंद्र कुमार की मेहरबानी किस पर? APM से DPM बनाए गए ऋजु श्रीवास्तव पर किसकी मेहरबानी? ब्यूरो रिपोर्ट, News 11 भारत। तो देखिए खेला खेला को समझिए, आपको मैं समझाता हूं खेला। देखिए ये जो कंपनी है हाई टेन, बेसिकली ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट उठाती है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यूं समझ लीजिए कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे राम कृपाल, तो ये बड़ी कंपनी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो छोटे छोटे जो काम होते हैं उन छोटे छोटे कामों को ये छोटी कंपनियों को दे देती है, जिनमें से एक छोटी कंपनी है हाई टेन। हाईटेन ने छोटे छोटे काम किए, लेकिन इस 3 करोड़ की क्रीडेंशियल वाली इस कंपनी को 35 करोड़ का देवघर ISBT के निर्माण का टेंडर आखिर कैसे दे दिया गुरु? मतलब इसकी औकात भी तो होनी चाहिए वो काम पूरी करने की, हैं? 2018 से 2022 हो गए, 4 साल में ISBT नहीं बनाया। बताइए अगर बन जाता तो कितना अच्छा होता। मैं कहता हूं कि भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी झांकने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? एक नियम होता है ना कि नियमानुसार एकदम समय के अंदर आपका काम पूरा हो जाना चाहिए, कि भाई बाबूजी की संपत्ति है कि जब बाबूजी पार होंगे तबे हमको मिलेगा, है? मैंने लूट की भी एक सीमा होती है ना। देखिए सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार दीपक का रुख करता हूं। दीपक देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि भाई हाईटेन जो है, जहां तक मेरी जानकारी, एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी है,
मैंने ढलैया करती है ये रामकृपाल के छोटे छोटे कामों का। आप ढलैया करने के एवज में इसको 35 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि लो भैया पूरा देवघर को झारखंड को कर दो ढलैया, जमा दो सीमेंट से, लूट लो लूट लो। आखिर मतलब कैसे समझा जाए, किसी न किसी का वरदहस्त प्राप्त है तभी तो ऐसा हो रहा है, वरना जिस कंपनी को एक छोटा सा पुलिया बनाने का टेंडर नहीं मिलना चाहिए उसको पूरा ISBT बनाने का टेंडर दे दिया जुड़को ने, आखिर किसकी मेहरबानी से? कोई तो होगा जिसकी मेहरबानी रही होगी दीपक। जी अभिषेक, इसमें आपको बताते चले कि ये जो हाईटेन कंपनी है ये सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है और 2015 में इनका भवन निर्माण विभाग से Grade 1 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि कोई भी अनलिमिटेड काम ये करेगी। तो आप जान सकते हैं कि Grade 1 या कंपनी की सूची में शामिल होने के लिए 1 लाख रुपया तो सरकारी फीस देनी होती है, ऊपर से अलग से फीस देनी होती है जिसमें फर्जी कागजातों के जरिए निबंधन हो जाता है। ये मुझे आज पता चला कि ऐसा होता है निबंधन का खेल। तो निबंधन 2015 में हुआ, 2016 में महेश्वर प्रसाद जो बरियातू के रहने वाले हैं, संजय कुमार और नीरज कुमार एक हेहल के रहने वाले हैं, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म बनी। पार्टनरशिप फर्म का समझौता हुआ कि हम लोग बड़े बड़े काम करेंगे, पेटी में करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे और इस तरह सरकारी काम करेंगे। लेकिन जो सवाल हम उठा रहे हैं ISBT की, उसमें है कि भाई क्रेडेंशियल नहीं है तो आपने 35 करोड़ का काम कैसे दे दिया? उसके लिए 1% आपने बैंक गारंटी इनसे ली जो 35 लाख के करीब आता है, ठीक है। तो इसीलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि 35 करोड़ का इनको काम मिला 2018 में। और ISBT का काम जो सरकारी काम होता है वो 36 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अब 2022 आ गया, 2018 में इन्हें काम मिला, 2022 में भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या जुड़को वाले ये बताएंगे कि इन्हें एक्सटेंशन कब दिया गया, या एक्सटेंशन एक बार मिला या दो बार मिला? ये जुड़को के अधिकारी ये बताएं कि एक सब कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी का क्रेडेंशियल किस आधार पर उन्होंने L1 के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि सब जहाँ तक मुझे मालूम है कि सब कॉन्ट्रैक्ट वाली जो कंपनी होती है वो उसका क्रेडेंशियल कहीं मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने किसी अन्य कंपनी जो L1 कंपनी है उससे काम उठाया है, तो जो भी ये काम करेंगे तो उससे क्रेडेंशियल बनेगा उस जो मुख्य कंपनी होती है, मूल कंपनी होती है उनकी, ना कि हाईटेन कंपनी की। अभिषेक बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और सवाल इसमें यह है, चलिए एक मिनट के लिए हमने मान लिया है कि आपने तय अवधि में काम नहीं किया, ठीक है समझ में आता है, लेकिन इसी क्रेडेंशियल के एवज में जिस एक चिट्ठी हमने अभी दर्शकों को दिखाई जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखते हैं कि भाई फलाना फलाना ढलाई करने का इनको एक्सपीरियंस है, दो चिट्ठी है, एक ही महीने में दो चिट्ठी रिलीज हुई है दो अलग अलग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से। पीके सिंह साहब कहते हैं कि भाई इतना इतना स्क्वायर मीटर ढलाई करने का इनको एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस देते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरे तरफ कोई महतो जी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस लेटर दिया है कि ये रामकृपाल के लिए काम करती है, बाकायदा उसमें ब्रैकेट में मेंशन किया गया है कि रामकृपाल के लिए काम करती है और रामकृपाल के लिए काम करते हुए इसने इतना 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 ढलैया किया है तो भैया इसका एक्सपीरियंस है। दूसरा पॉइंट, जिस क्रेडेंशियल के एवज में इनको ISBT का काम मिला है उसी क्रेडेंशियल के एवज में कई और टेंडर में इनको हटा दिया गया, कई और टेंडर में इनका काम जो है वो रोक दिया गया कि भाई यहां आप टेंडर नहीं डाल सकते हैं। तो फिर क्या किया गया, एक मुखौटा कंपनी KMV कंस्ट्रक्शन के नाम से भी बनाई गई, उसका भी राज खोलेंगे समय आने पर खोलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए KMV का भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाई जिस क्रेडेंशियल के लिए आपने बाकी टेंडर से इनका नाम हटा दिया उसी क्रेडेंशियल के लिए आपने इसके लिए काम कैसे दे दिया, मतलब ये तो सवालों के दायरे में आता ही है ना दीपक। जी अभिषेक, इसमें है कि भवन निर्माण विभाग से जो इन्हें दो प्रमाण पत्र दिए गए उससे ये नहीं माना जा सकता है कि ये ISBT जैसे बड़े कामों के लिए ये क्वालिफाई कर जाए या इनका क्रेडेंशियल बढ़ जाए। जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया जो देखने से लगता है कि इन्होंने इतना काम किया, ये ढलाई का काम किया तो ढलाई से ही रिलेटेड उनको सर्टिफिकेट मिला, ये इससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि इन्हें 10 करोड़ 20 करोड़ 34 करोड़ 50 करोड़ का काम दे दिया जाए।
ये दूसरे सर्टिफिकेट में है कि राम कृपाल कंस्ट्रक्शन के ये सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी हैं, पेटीदार हैं, तो उससे भी हम किसी क्वालिफिकेशन में योग्य साबित नहीं होंगे। इनको अपना खुद का क्रेडेंशियल दिखाना होगा। जहां तक मैं टेंडर की शर्तों को देख रहा था, उसमें इन्होंने जो नेचर ऑफ कंप्लीशन, मतलब काम करने का जो लिस्ट एक दिखाया है, उसमें लिखा है कि हमने अधिकतर काम सब कॉन्ट्रैक्ट में लिया। तो सब कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाली कंपनी को कैसे L1 घोषित कर दिया गया, तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई खेल किया गया है जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, बड़े अधिकारियों के साथ इनकी कोई सांठ गांठ हुई है, और बड़े पैमाने पर 35 करोड़ का, मान लीजिए 10% भी, तो वो 3.5 करोड़ होता है, इतने का बंदर बांट हुआ है। जी अभिषेक, बिल्कुल, ये दीपक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है, और हम बहुत जल्दी खोलेंगे इसका भी खेला। L1 और L2 कंपनी कैसे KMB का यूज करके, KMB के मुखौटे का यूज करके, और L1 और L2 कंपनी का खेल खेला गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है, भवन निर्माण निगम जो है, उसका खेला कैसे हुआ, उसमें खेला कैसे हुआ है, उसके काम में खेला कैसे हुआ है, सब कुछ एक एक करके बहुत धीरे 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 सब कुछ दिखाएंगे। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक अमरेंद्र कुमार जी हैं, प्रोजेक्ट एडमिन हैं, और उनके बेटे हैं रिजु श्रीवास्तव। APM से उनको DPM बना दिया गया। टेंडर का जो जिम्मा होता है, टेंडर वेंडर का जितना है, ये सब अमरेंद्र जी के पास है। अमरेंद्र जी की पावर इतनी है, आने वाले कुछ दिन अभी वो नौकरी में रहने वाले हैं। अब इसमें नियम ऐसा होता है कि जो 3 महीने 60 दिन जो होता है ऑफिस का काम होता है, 60 दिन जो होता है जो DPM होते हैं उनको जाना पड़ता है फील्ड में, प्रोजेक्ट जहां पर चल रहा है वहां पर। लेकिन यहां पर रिजु श्रीवास्तव जी के साथ यह है कि इनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ये आराम से ऑफिस में बैठ करके टेंडर भी फाइनलाइज करते हैं और GM तक को ठेंगा दिखा देते हैं, और कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए क्योंकि भैया जब ऊपर वाला मेहरबान तो अभिषेक भारती पहलवान। दीपक जी, इसका भी खुलासा करेंगे, इंतजार कीजिए थोड़ा सा, दर्शकों को भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए दीपक जी, बहुत खेले जुड़को में, इतना खेले कि दर्शकों को हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे, लेकिन खेल खत्म नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूं, थोड़ा सा और इंतजार दर्शकों को करना चाहिए, और बहुत जल्दी जुड़को के और बड़े बड़े हाथी वाले कारनामे दिखाएंगे, जिसको देख देख के दर्शक जो है वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी खेल होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक आपका, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो सहयोगी दीपक जुड़े हुए थे, जुड़को का खेल हम आपको बता रहे थे कि भैया जुड़को में खेला किस तरीके से। समझिए आप कि जिस कंपनी की हैसियत 3 करोड़ का काम करने की नहीं है, उस कंपनी को 35 करोड़ का काम दे दिया। 36 महीने में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, 4 साल होने को है, ठीक है, यानी 48 महीने पूरे होने को है। किसी ने आज तक जाकर के पूछा भी नहीं कि हुजूर अब तक कमवा का ही नहीं पूरा किए, मतलब क्या, आखिर क्यों, मतलब ठेका ISBT बनाने का लिए है कि झारखंड को लूटने का लिए है, ये सब क्लैरिफाई तो कीजिए हुजूर। लेकिन ना किसी को पूछना ही नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है। तो बस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।